प्रेस मशीन की आवाज़ एकदम नई मशीन की तरह कैसे हो जाएगी, उसको जानने के लिए ये चीज़ देखिए कि मैंने यहाँ से गरारी पकड़ रखी है और यहाँ से कुप्पी को पकड़ रखा। अब इस तरह से ऊपर नीचे करने पर ये इस ईट में मक्खी बोलते हैं इसको, इस तरह से आप देखिए कि हल्की फुल्की चाल बजा रही है। पहली चीज़ तो ये दोस्तों कि मशीन में एकदम आपको कम आवाज़ चाहिए तो इस चीज़ का भी गौर कर लें। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि ये जो सरिया है इसको भी ऊपर नीचे करें, आगे पीछे ऊपर नीचे, इस तरह से आप डिब्बी की तरफ आके भी देखें कि ये ऊपर नीचे घसी घस घस के हो गया लूज। अब देखिए दोस्तों पहली चीज़ तो ये है कि ये ईट बदल ली जाए इसको कि मक्खी बोलता है और इसमें एकदम इस तरह से इस गरारी में फिट है, या फिर ये गरारी बदल ली जाए। अगर गरारी यहाँ से घस गई है दोनों तरफ से, नई गरारी डाल ली जाए तो ये जो चीज़ है दोस्तों इस खूंटे में भी टाइट हो जाएगी और इस खूंटे में भी इस तरह से ऊपर नीचे इसकी बकलिंग खत्म हो जाएगी। और दूसरी जो ये ईट डलती है पुरानी ईट को भी वापस इसमें सेट करके डाल दिया जाएगा। तीसरी चीज़ आपको जो मैंने गिट्टी की बताई ये हो जाएगी। ये तीन चीज़ें होने के बाद में मशीन एकदम नई मशीन की तरह एकदम साइलेंट हो जाएगी दोस्तों। चौथी चीज़ है ये, जी हाँ दोस्तों ये हुल है। ये हुल कई बार आप नहीं समझ पाते, ये ऊपर नीचे होने की वजह से मशीन में चिन 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 की आवाज़ आती है। फुल रिपेयर करा के अच्छे से अच्छे काम कराने के बाद में ये राड वगैरह ये कुक की ये जो होती है ये सब चेंज कर ली, गरारी चेंज कर ली, फिर भी मशीन में आवाज़ आती है चिन 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 चिन। तो सबसे पहले पत्ती को बढ़िया करके रिपेयर करवा ले दोस्तों, जिससे कि बॉडी का पूरा काम करवाने के बाद में छोटे छोटे काम करने के बाद में आवाज़ करती है मशीन वो खत्म हो जाएगी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों छोटे छोटे कामों की जो मैंने आपको जानकारी दी है, आगे भी मैं आपको ऐसी जानकारियाँ देते रहूँगा जिससे कि मशीन एकदम नई मशीन की तरह आवाज़ करेगी। इसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरे आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।